दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप प्रैक्टिकली कभी अगर आपको इस तरीके की वायरिंग करनी होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। अभी इस वायरिंग को आपको कम्प्लीटली सिखाने के लिए मैं यहाँ पे वंडरशेयर के ईड्रोमैक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसके अंदर वायरिंग डायग्राम बनाना काफी सिंपल है और इसकी मदद से मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल फील के साथ में वायरिंग डायग्राम को समझा पाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और इस पेज पर मेरे को जो जो चीजों की अभी जरूरत है इस वायरिंग को करने के लिए उन सभी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज मुझे एक बल्ब चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करके हमारी ड्रॉइंग पेज पे ले आऊंगा। इसके अलावा मुझे कुछ स्विच चाहिए तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में स्विच को सर्च करके यहाँ से मैं कुछ स्विच को ले लूंगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम एक बल्ब को अगर तीन जगह से ऑपरेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें हमेशा टू वे स्विच की जरूरत होती है। टू वे स्विच क्या होता है दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल स्विच होते हैं उन स्विच के अंदर आपको हमेशा दो टर्मिनल ही बैक साइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्विच होते हैं उन स्विच के अंदर आपको बैक साइड पे तीन टर्मिनल देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपने कभी स्टेयर केस की वायरिंग देखी, मतलब सीढ़ी की वायरिंग देखी, तो उस जगह जब भी हम हमारे बल्ब को ऑपरेट करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं तो वो हमें टू वे स्विच लगाने होते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले यह भी बता दूं कि अगर आपको एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करना है तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करने के लिए वायरिंग काफी ज्यादा सिंपल होती है। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों स्विच के ऊपर के और हमारे लास्ट के इन दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली ऐसे लाके कनेक्ट कर देना है, यानी आपको वायर लाना है और इसका पहला टर्मिनल को पहले टर्मिनल से और लास्ट टर्मिनल को लास्ट टर्मिनल से के दूसरे स्विच से कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमारी जो सोर्स सप्लाई मतलब की जो हमारा फेस वायर और न्यूट्रल वायर है उस फेस वायर को आपको ये जो हमारे दोनों स्विच है इन दोनों स्विच के किसी भी एक स्विच के मिडल पॉइंट में लाके कनेक्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे जो स्विच है इस स्विच के पास में मेरा फेस वायर है तो मैं फेस वायर लाके हमारे इस स्विच के मिडल पॉइंट में लाके जोड़ देता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो दूसरा स्विच है इसका जो मिडल पॉइंट है ना, यहाँ से आपको इस फेस वायर को उठा लेना है और यह फेस वायर सीधा ले जाके हमारे बल्ब के एक टर्मिनल पे जोड़ देना है। और ऐसा करते ही हमारे जो बल्ब है इस बल्ब को फेस मिल गया है। अब बस हमें हमारे इस बल्ब को न्यूट्रल देना है और यह न्यूट्रल देते ही हमारी यह जो वायरिंग है यह वायरिंग टू वे स्विच की पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गई है। मतलब की अगर अब आप इस बल्ब को इस स्विच से ऑन करेंगे तो दूसरे स्विच से ले जाके ऑफ कर सकते हैं और अगर आप इस स्विच से ऑन करेंगे तो इस स्विच से ले जाके बंद कर सकते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल सीढ़ी की वायरिंग होती है वो कुछ इस तरीके से ही होती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कब आ जाती है, प्रॉब्लम हमारे सामने तब आ जाती है जब हमें हमारे इस बल्ब को दो जगह से नहीं हमें तीन जगह से ऑपरेट करना होता है। तो अब तीन जगह से हम कैसे ऑपरेट करेंगे वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बल्ब को तीन जगह से अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास में जो तो टू वे स्विच है ये दोनों टू वे स्विच की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा अब आपको इस वायरिंग को पूरा करने के लिए एक और स्विच की जरूरत पड़ेगी, उस स्विच का नाम होता है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। दोस्तों जो इंटरमीडिएट स्विच होता है यह आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन इसकी जो प्राइस होती है वो नॉर्मल स्विच से दुगनी होती है। जैसे नॉर्मल स्विच जो टू वे स्विच आते हैं वो आपके 40 रुपए के मिलेंगे, तो ये इंटरमीडिएट स्विच आपको 70 से 80 रुपए का मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है तो आप कैसे इस वायरिंग को पूरा करोगे, आप कैसे बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट करोगे, उसका भी मैं तरीका आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ में वायरिंग को बता देता हूँ। दोस्तों देखिए इंटरमीडिएट जो स्विच होता है उसके अंदर आपके जनरली आपको चार टर्मिनल देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये मिडल में दिख रहा है इंटरमीडिएट स्विच, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक दो और यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार, टोटल चार टर्मिनल देखने को मिल रहा है। अब इसकी वायरिंग आप कैसे करेंगे, हम करेंगे हमारा जो टॉप टर्मिनल है पहले स्विच का टू वे का, यहाँ से हम एक वायर ले जाके हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच है इस स्विच के एक टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला इसी स्विच का जो बॉटम टर्मिनल है यहाँ से भी आप एक वायर उठाएंगे और इस वायर को आप आपके इंटरमीडिएट स्विच के सेकेंड टर्मिनल पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो ये इंटरमीडिएट स्विच के नीचे वाला पहला टर्मिनल है इसको ले जाके आप हमारे दूसरे टू वे स्विच के टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब इसके बाद में हमारा जो नीचे वाला टर्मिनल बचा है इसको आप डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट एक वायर ले जाके हमारे टू वे स्विच के बॉटम टर्मिनल पे नीचे जोड़ देंगे। और ऐसा करते ही हमारे इंटरमीडिएट स्विच की पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमें हमारे बल्ब को कनेक्ट करना है, तो बल्ब को कनेक्ट वापस हम पहले जैसे कनेक्ट करेंगे। हमें सबसे पहले हमारे पास में जो फेस सप्लाई है जो मेन सप्लाई आ रही है इस सप्लाई को इन दोनों स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के सेंटर में लाके जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फेस वायर है इस फेस वायर को हमारे इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल में ले जाके जोड़ दिया है। अब इसके बाद में यह जो दूसरा वाला स्विच का जो बीच का टर्मिनल बचा इससे हम हमारे बल्ब को सप्लाई दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक वायर को उठाता हूँ और इसके
तरह से हमारे बल्ब को फेज सप्लाई दे देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, हमारे बल्ब को फेज मिल गया है। अब आखिरी के अंदर हमारे इस बल्ब को न्यूट्रल देना बचा है, तो न्यूट्रल हम यहाँ से दे देंगे। ये हमने यहाँ से एक वायर को उठाया और यहाँ पे ले जाके हमने इस बल्ब को न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इतना करते ही अब हम हमारे इस बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट कर पाएंगे। आप इस स्विच से बल्ब को चालू करके इस स्विच से बंद या इस स्विच से भी बंद कर सकते हो, और इस स्विच से बल्ब को चालू करके किसी भी स्विच से बंद और चालू कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी थ्री वे स्विच की वायरिंग विद इंटरमीडिएट स्विच। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में ये इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, मान लो आपके पास में ये इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस वायरिंग को कैसे कंप्लीट करोगे? तो दोस्तों अगर आपके पास में इंटरमीडिएट स्विच नहीं है तो इसकी जगह हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर हमारे पास में टू वे स्विच एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तो हम यहाँ पर दो टू वे स्विच को एक साथ कनेक्ट करके हम उसका इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। अब अगर आप इस तरीके से वायरिंग को कंप्लीट करना चाहते हो, मतलब आपके पास में इंटरमीडिएट स्विच नहीं है लेकिन आपके पास में एक्स्ट्रा दो टू वे स्विच रखे हुए हैं, तो कैसे वायरिंग होगी तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वही चीज करेंगे, हमारे जो फेज वायर है ये फेज वायर हम हमारे जो पहले स्विच है इसके मिडिल टर्मिनल में ले जाके जोड़ देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आप इस पहले स्विच के टॉप टर्मिनल से वायर को ले जाके हमारे इस स्विच के मिडिल टर्मिनल में ले जाके कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक वायर को ले जाके इस स्विच के मिडिल टर्मिनल में जोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों इस स्विच का जो एक आखिरी नीचे का जो पॉइंट बताया, यहाँ से आप एक वायर को उठाना और इस वायर को ले जाके आपको जो हमारा यह दूसरा टू वे स्विच है इसके मिडल पॉइंट में ले जाके जोड़ देना है। तो ऐसा करते ही हमारा जो पहला ये स्विच है इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है और बाकी जो हमारे दो स्विच है इन दोनों स्विच के भी मिडल पॉइंट की वायरिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों स्विच को इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों स्विच के जो ऊपर के और नीचे के जो टर्मिनल है इनको आपस में लूप करना है। कैसे करना है, आप इस पहले वाले स्विच से एक वायर को उठाएंगे टॉप वाले टर्मिनल से और दूसरे स्विच के बॉटम वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, और इसके बाद में जो दूसरा वाला स्विच है यहां से आप एक वायर को उठाएंगे और हमारे दूसरे स्विच के बॉटम टर्मिनल में जोड़ देंगे। और इतना करते ही हमने इन दो टू वे स्विच को यूज करके एक इंटरमीडिएट स्विच बना लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको वायरिंग में क्या करना है, सिंपली हमारा जो ऊपर वाला टर्मिनल है स्विच का यहाँ से एक वायर ले जाके आपको नॉर्मल हमारे जो आखिरी टू वे स्विच है इसके टॉप टर्मिनल जोड़ देना है, और सेम चीज आपको नीचे वाले टर्मिनल के साथ भी करना है। आपको यहाँ से एक वायर ले जाके इस आखिरी टू वे स्विच के बॉटम टर्मिनल में जोड़ देना है। और इतना करते ही हमारी ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें हमारे इस बल्ब को फेज सप्लाई देनी है जो हम यहाँ से इस स्विच के मिडिल टर्मिनल से देंगे। तो हमने यहाँ से इस बल्ब को ले जाके फेज दे दिया है और आखिरी में बच्चा हमारा न्यूट्रल, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई से ले जाके हमारे न्यूट्रल को भी इस बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इतना करते ही हमने हमारे इस बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट करना सीख लिया है और वो भी बिना इंटरमीडिएट स्विच के। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने जो ये दो टू वे स्विच को यूज करके एक इंटरमीडिएट स्विच बनाया है, आप इन दोनों स्विच को एक साथ ही ऑन करेंगे और एक साथ ही बंद करेंगे। अगर आप एक समय पे एक बल्ब को चालू कर देंगे, इसको आप चालू नहीं करेंगे, तो इस समय ये इंटरमीडिएट स्विच की तरह वर्क नहीं करेगा। मतलब ये दोनों जो स्विच है हमेशा एक साथ में ऑन और ऑफ ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार कैसे हम थ्री वे स्विच की वायरिंग करेंगे। अगर दोस्तों इस तरीके से आप भी प्रेजेंटेशन के लिए वायरिंग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वंडर शेयर के ईटोमैक सॉफ्टवेयर को जरूर रिकमेंड करूंगा। इस सॉफ्टवेयर को मैं काफी समय से यूज करते आ रहा हूँ, इसके मैंने कई सारे डिटेल वीडियो बना भी रखी है। इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात यह है कि यहां से मैं हमारी इस ड्रॉइंग को कई सारे फॉर्मेट में सेव करता हूं, जैसे वीसीओ में, एसवीजी में, ऑफिस में, पीडीएफ के अंदर भी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी फॉर्मेट में इस वायरिंग डायग्राम को सेव कर सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की खास बात है। इसके अलावा दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक टेम्पलेट सेक्शन भी देखने को मिलता है। तो अगर आप इस टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ इस टेम्पलेट सेक्शन में आपको पहले से ही कई सारी वायरिंग डायग्राम मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज को सर्च मारेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ DOL स्टार्टर, तो यहाँ मेरे को DOL स्टार्टर की पहले से बनी बनाई ड्राइंग मिल जाती है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस यूज इमीडिएटली पे क्लिक करके मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी भी वायरिंग डायग्राम को सेव कर सकता हूँ और मैं अपने पर्सनल यूज में इसको उपयोग कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें किसी भी प्रकार का एडिट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर काफी पसंद आता है। मैं आपको भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने की सलाह दूंगा। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसका यहाँ पे आपको लिंक दूंगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके यहाँ से ट्राई इट फ्री करके इसे फ्री में डाउनलोड करके फ्री में इसका सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।